What's up guys? आज हम देखेंगे मुंबई की वानखेड़े में रोहित और कोहली ने दिल खुश कर दिया यार, क्या एनर्जी थी स्टेडियम में जब वो माँ तुझे सलाम गा रहे थे, खुद भी गा रहे थे साथ भाई, रोड पे कितनी भीड़ थी, क्या ड्रोन शॉट्स निकल के आया था। देखते पूरी वीडियो आज और नक्की चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, एयर इंडिया की विमान संख्या AI-24WC दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर चुकी है। बाहर हवा में नमी नहीं, खुशी है। आप सभी अपने कानों में रुई डाल लीजिए क्योंकि बाहर जनता की आवाज आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। शायद यही अनाउंसमेंट हुई होगी जब कल टीम इंडिया का विमान दिल्ली उतरा होगा। हेलो, मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग। बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन इंडिया वापस आ चुकी है। हमारी टीम का क्या भयंकर स्वागत हुआ है। 17 साल पहले भी जब हम वर्ल्ड कप जीते होंगे तब भी शायद यही सेलिब्रेशन रहा होगा, लेकिन तब तो हम नादान बालक थे इसलिए याद कुछ नहीं है। लेकिन अब कल जो सेलिब्रेशन हुआ है उसकी एक एक झलकी, एक एक बात आपको इस वीडियो में पता चले। मजा ना आए तो पैसे वापस वाला वीडियो है। व्हाट्सएप पर फैला दो, सोशल मीडिया पर लिंक लगा दो, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि चैंपियंस का स्वागत आखिर होता कैसे। तो दोस्तों शुरुआत हुई सुबह 6 बजे के करीब। अगर आप दिल्ली में नहीं है तो आपको बता दूं कि दिल्ली में एकदम मस्त चाय पकौड़ी वाला मौसम है, मीठी मीठी ठंड हो जाती है सुबह। ऐसे मौसम में दिल्ली वाले सुबह 10 बजे तक चादर तान के सोते हैं और मजा ले कि कोई माइकल लाल उनको बिस्तर से निकाल दे। लेकिन कल सुबह 5 बजे से ही एयरपोर्ट पर भीड़ जम चुकी थी, लोग वेट कर रहे थे कि कब फ्लाइट लैंड होगी। सब पायलट को यह कहना चाह रहे थे कि भाई 100-200 एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन जल्दी लैंड करा दे। फ्लाइट AI-24WC यानी एयर इंडिया 2024 वर्ल्ड कप सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली लैंड करी और रोहित शर्मा की टीम फैंस के नारों के बीच बस में सवार होकर दिल्ली के धौला कुआं में अपने होटल पहुंच गई। यहां पर उनका स्वागत ढोल नगाड़े और डांस के साथ हुआ। हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने जमकर डांस दिखाया, लेकिन महफिल लूट ली रोहित शर्मा ने जब उन्होंने उतरकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हवा में लहराया। वो मेडल का टुकड़ा जिसको जीतने के लिए 2007 से हम परेशान थे, भारतीय धरती पर 2024 में उसी की पहली झलक हमने देखी। इसके बाद होटल में केक कटिंग सेरेमनी हुई और खिलाड़ी अपने अपने रूम में पहुंच गए। इसके बाद टीम होटल से तैयार होकर बस में बैठी, लेकिन बस चली नहीं क्योंकि कुलदीप यादव ने आने में थोड़ी देर लगाई। जब आए तो उनके बालों को देखकर लगा था कि भैया नहा धोकर पहुंचे। उनके बस में बैठते ही बस चल दी और पहुंची मोदी जी के घर, जिसका एड्रेस है 7 लोक कल्याण मार्ग, 7 थला फॉर अ रीजन। यहाँ मोदी जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, कैमरा वाला एकदम तैयार था जिसने मोदी जी के साथ पहले ग्रुप पिक्चर निकाली, उसके बाद सबकी सोलो पिक्चर भी निकाली। यहाँ से खा पीकर टीम निकल गई सीधे एयरपोर्ट के लिए, जहां पर उनके लिए इंतजार कर रही थी फ्लाइट UK-1845। इस फ्लाइट नंबर पर भी गौर कीजिए, फ्लाइट नंबर के साथ कोहली और रोहित को ट्रिब्यूट दिया गया। फिर जैसे ही फ्लाइट मुंबई पहुंची वहां उसे वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए, मुंबई में दोपहर के टाइम भी मरीन ड्राइव जाम हो गया था भैया। मुंबई पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि अगर आपको खुला वातावरण पसंद है तो मरीन ड्राइव की तरफ ड्राइव करके मत जाइए। लेकिन जब यहां पर ओपन बस से सवार होकर टीम इंडिया आई तो यकीन मानिए दोस्तों, कई लोगों के तो आंसू कम पड़ गए। खचाखच भरी मरीन ड्राइव पर जब ये बस निकली और उसके ऊपर हमारे चैंपियन खिलाड़ी दिखे तो ऐसा लगा कि जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई। ऐसी ऐसी होलसम फोटोज थी कि क्या बताऊं, दिल बाहर निकलकर ये बोलने वाला था कि भाई अब कितनी खुशी देगा। कलेजा कह रहा था कि इतनी ठंडक तो आज तक कभी मिली ही नहीं। मेरे हिसाब से तो एक साथ एक जगह पर इतने खुश लोगों के इकट्ठा होने का रिकॉर्ड बन गया होगा। और फिर जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बस के आगे आकर वो ट्रॉफी हाथ में उठाई, भाई टाइटैनिक के सामने जैक और रोज का पोज भी फेल हो गया। फिर रोहित शर्मा ने शाहरुख खान वाला पोज भी कर दिया और जनता उतनी ही पागल हुई जितनी मन्नत के बाहर होती है। कुल मिलाकर एक बात क्लियर हो गई दोस्तों कि इस देश का सबसे बड़ा धर्म क्रिकेट है। बेहतरीन बस राइड के बाद टीम वानखेड़े पहुंची और यहाँ पर भी होलसम मोमेंट्स की कोई कमी नहीं थी। 2 महीने पहले तक हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहा वानखेड़े का क्राउड, हार्दिक हार्दिक के नारे लगा रहा था और वानखेड़े में ट्रॉफी के साथ एंट्री मुंबई के कप्तान हार्दिक ने ही करी। विराट कोहली को जब बॉलिंग के लिए बुलाया गया तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए तालियां बजवा दी। रोहित शर्मा के साथ गले मिलने वाले मोमेंट को अपना सबसे स्पेशल मोमेंट बता दिया। रोहित शर्मा को तो वानखेड़े की जनता ने पहले ही बोलने नहीं दिया, लेकिन जब रोहित बोले तो उन्होंने दिल जीत लिया। कोहली ने बुमराह के लिए ताली बजवाई थी, लेकिन रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के लिए तालियां बजवा दी और कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या तारीफ के काबिल है। और दिन का सबसे बढ़िया पार्ट आया तब जब टीम इंडिया वानखेड़े में विक्ट्री लैप ले रही थी और कोहली रोहित एक साथ डांस करने लगे। भाई कसम से अगर मुझे कल सुपर पावर मिलती और मुझसे कोई पूछता कि दुनिया में तुम्हें कहां होना है तो मैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क नहीं बल्कि मुंबई का वानखेड़े मैदान चुनता। फिजिकली मैं वहां भले ना जा पाया हूं, लेकिन मेंटली मैं और मेरा दिमाग अब शायद हमेशा वानखेड़े में ही रहेगा। इतनी खुशी के पल एक ही दिन में मेरी जिंदगी में शायद ही कभी आए हों। ये पल लाने के लिए टीम इंडिया का
बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। आपका भी दिल अगर खुशी से गार्डन गार्डन हो चुका है तो उस गार्डन के फ्लावर से कमेंट बॉक्स भर डालिए और बताइए कि आप कितने खुश हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ सारे कमेंट पढ़ूंगा और बढ़िया वाले कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। चैनल याद से सब्सक्राइब करके जाना। लेकिन यहाँ पे वो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अगर देखोगे ना ये तो फिर भी पूछते हैं भैया आपने जब मुंबई इंडियंस जीतती है ट्रॉफी जीतती है ना आईपीएल वाली तो वो वहाँ पे सिद्धिविनायक मंदिर है ना वहाँ पे वो ट्रॉफी को वहाँ पे लेके जाते हैं और इंडिया में तो यार क्रिकेट इमोशन है। यहाँ पर चाहे बायलेटरल सीरीज हो चाहे कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट हो चाहे ऐसी टूर्नामेंट अपने यहाँ पूजा जाता है। मैच को ऐसे देखा जाता है भाई हर चीज को पूजा जाता है एक तरह से देखा है कितना ज्यादा मतलब प्यार है लोगों यार। मतलब कल वो जो मूवमेंट था ना जो रॉ फुटेजेस देखी है लोग लिटरली आंखों में आंसू थे और जिस तरीके जो इंडियन टीम भाई हैट्स ऑफ टू देम मतलब ये खुशी बहुत कम मिलती है क्योंकि 2007-11-13 में चैंपियन ट्रॉफी के बाद अब बहुत लंबा सफर रहा और हर मैच में ना हम लोग ऐसे देखते थे हम खेल रहे हैं साथ में वो पार्ट ऑफ लाइफ है। नो डाउट हम लोग कई बार एज अ फैन हम भड़क भी जाते हैं लाइन क्रॉस भी कर जाते हैं वो चीज नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर वो ये चीज याद आती है यार वो कनेक्शन अलग ही है। मुझे पर्सनली मुझे हार्दिक पांडे के लिए बहुत दिल से अच्छा लग रहा है कि उसी उसको, उसमें उसी ग्राउंड उसको भूख याद सिर्फ डेढ़ महीने एक महीने पहले हाँ, जो चीज हो रही थी अभी उसने उनको उन चीजों को तालियों में बदल दिया अपने लिए काम से ये चीज है। और बहुत अच्छा लगा जब रोहित शर्मा ने वो चीज बताई विराट ने वो बताया कि मेरा फेवरेट मोमेंट वो था जब रोहित को गले लगाया और रोहित ने जिस तरीके से हार्दिक की तारीफ करी भाई यार वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। अब मुझे लगता है अगर अब तो मुझे लगता है मुंबई के लिए ही रोहित खेलेंगे आगे जाके आईपीएल में भी लेकिन ये खुशी के पहले जो रात का नजारा था वो भाई साहब क्या व्यू आ रहा था ड्रोन शॉट जो आप में से कोई गया था वहां पर भाई अगर जिसने देखा होगा तो चक्का जाम हो रखा था चक्का जाम मतलब कि लोग लिटरली कैमरे से वीडियो बना रहे थे धक्के लग रहे हैं वहां पर क्योंकि वहां पर बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी फीका पड़ जाता क्योंकि वहां सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी था इंडियन टीम वहां पर जितने भी थे भाई स्टाफ था पूरी टीम थी और जो अभी भी आप देख रहे हो वो खुशी ऐसी नहीं कि कम दिख रही हो फेस पे वही एनर्जी वही मतलब खुशी दिख रही है हर एक प्लेयर के रील्स आ रही है ना इससे उस पे लाखों लाखों वो जा रहे हैं लाखों और जो प्लेयर्स के चेहरे पर जो खुशी दिख रही है भाई उसको तोड़ नहीं सकते आप। और जो मोदी जी के चैनल पर वो वीडियो आई थी ना भाई यार उसमें ऑडियो ही नहीं है देखा आपने ऑडियो ही नहीं है वो जो उनसे बात कर रहे हैं ऑडियो ही नहीं है उस पूरी वीडियो में पता ना भैया क्या ग्लिच आया वहां पर। लेकिन प्राउड ऑफ टीम इंडिया और अब अपनी T20 सीरीज भी शुरू हो रही है तो अब यंगस्टर्स को भी देखने में जाएगा। बाकी भाई अगर क्या वानखेड़े गए थे या फिर मरीन ड्राइव पे थे वहां पर बताना जरूर जो रात के नजारे निकल के आए ना खासकर जो HD फोटोज भी निकल गए मजा आ गया। मिलते हैं साथ बाय टेक केयर।